नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपको एक एप्रन की कटिंग और स्टिचिंग समझाने वाले हैं। तो इस एप्रन को बनाने के लिए आपके घर में कोई भी ब्लाउज पीस पड़ा है या कोई पुरानी शर्ट है, अगर आप खरीद के भी लाते हैं तो 80 सेंटीमीटर कपड़े में आपका अच्छे से एप्रन बन के तैयार हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको फुल मेजरमेंट के साथ काटना और सिलना बताएँगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसे देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और इसको हम खोल लेंगे। तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसमें पीछे वाला भाग नहीं होता है तो आगे के लिए हमको इसको फोल्ड करना है। तो इसको हम अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम थ्री साइज़ का ही एप्रन बना रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे और एक एक इंच को हम साइड में फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा पूरा 11 इंच का बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंच लूजिंग के साथ यहाँ पे 13 इंच मार्किंग की है। तो अब हम इस कपड़े की लंबाई देख लेंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पे 30 इंच हो रही है, तो हम इसको पूरा ही ले लेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे एक एक इंच को फोल्ड भी करना है ऊपर से और नीचे से। तो ये टोटल 28 इंच का बनके तैयार हो जाएगा। तो इसके शोल्डर पे अब हम निशान लगा लेंगे, जो कि हम 5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब इसके आर्म होल हम यहाँ पर 10 इंच भी निशान लगाएंगे, क्योंकि इसकी कोई फिटिंग नहीं होती है तो इसके आर्म होल बड़े ही रहते हैं। तो अब यहाँ से गले से सीधा हम इस पर 10 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब 2 इंच पे हम अपना आर्म होल पे निशान लगा के कर्व बनाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे अपनी चेस्ट का। अब हम इसको नीचे तक ज्वाइन कर लेंगे और इसकी ड्राफ्टिंग पर अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी ड्राफ्टिंग पे कटिंग कर ली है। तो इसमें फिनिशिंग लाने के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा पाइपिंग या पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा छोड़ा था, उसी को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसको ऊपर से इस तरह से पकड़ते हुए 2 बार फोल्ड करते हुए अच्छी सी फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल का एरिया है। ये हमारे साइड का एरिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे।
अब हमने अपने पूरे एप्रन पे अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें एक पॉकेट लगाएंगे बीच में। ऊपर से 11 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे 3 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी पॉकेट का निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हम अपने सारे निशानों को अच्छे से मिला देंगे। उस तरफ से भी बराबर मार्किंग हो इसलिए हम इसको उल्टा करके अच्छे से थपथपा लेंगे ताकि उस तरफ भी अच्छे से निशान बन जाए, ताकि हमारी पॉकेट बिल्कुल बराबर और सही दिशा में लगे। अब जो हल्के हल्के निशान उभर के आए हैं उनको हम अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो बचा हुआ कपड़ा था वो ले लिया है और उसमें से अपनी पॉकेट निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो जैसे निशान हमने अपनी पॉकेट पे लगाया था 6 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा, उसी तरह से हम अपनी इस पॉकेट पे भी निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम निशान आधा आधा इंच को मार्जिन के साथ छोड़ के हुए लगाएंगे, क्योंकि हमें अपनी पॉकेट को फोल्ड भी करना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। पॉकेट को आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कैसे भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब ये पॉकेट हमने कट कर ली है। अब हम इसे अपनी एप्रन पे अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसको अपने उसी मार्जिन पे रखते हुए और एक एक इंच अंदर दबाते हुए और जो निशान हमने लगाए थे उसी पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी जेब टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब तीनों तरफ से इस तरह से आधा आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और एक साइड हमें ऊपर वाला ऐसे ही खुला छोड़ना है, ये ध्यान रखना है हमको। जो पॉकेट का खुला भाग रहेगा उसको सिलाई लगाने के लिए हम एप्रन को हटा के उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब इसके खुले हुए भाग में सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके जो साइड में बचा हुआ है उसमें भी सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो अब इसकी पॉकेट बनके अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी बेल्ट तैयार करने के लिए 3 पट्टियाँ काटी हैं जो कि 1.5 इंच की हैं। तो इन पट्टियों में 2 हमारी ये जो लंबी वाली बेल्ट है ये हमारी साइड की बेल्ट रहेंगी और जो एक हमने थोड़ी छोटी काटी है वो हमारी गले की बेल्ट रहेगी। तो सबसे पहले इन पट्टियों को फोल्ड करते हुए उल्टी तरफ से इन पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमने अपनी पूरी बेल्ट पे सिलाई लगा ली है। अब सुई धागे की मदद से हम इसको एक पार्ट में इस तरह से सिलते हुए इसको अंदर से सुई निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे। तो जैसे कि हम अपनी फ्रॉक की बेल्ट और ब्लाउज की डोरी तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी ये बेल्ट भी तैयार कर लेंगे। तो देखो हमारे उस तरफ से हमने सुई डाली थी, अब इस तरफ से निकल के आई है। अब इसको हम धीरे धीरे खींचते हुए इस बेल्ट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारी बेल्ट कितने अच्छे से कितने आसानी से सीधी हो गई है। अब इसी तरीके से हम अपनी वो दोनों बेल्ट भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे तीनों बेल्टें अच्छे से बनकर तैयार हो गई हैं और ये 2 हमारी साइड बेल्ट हैं और एक जो छोटी बेल्ट है ये हमारी गले की बेल्ट है। सबसे पहले हम अपनी गले की बेल्ट लगाएंगे। गले की बेल्ट को हम अपने एप्रन के
दोनों कोनों पे आधा इंच अंदर को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम एक चौकोर बनाते हुए अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी सारी बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने अपनी सारी बेल्ट अटैच कर ली है। तो देखिए दोस्तों, हमारा एप्रन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। दोस्तों, कितने आसान तरीके से हमने ये एप्रन बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको इसको समझने में कोई भी तकलीफ़ आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।